अच्छा अब टॉप स्टोरीज में सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी दैट इज़ अबाउट द ग्लास वर्कर अब ग्लास वर्कर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं इट्स द फर्स्ट हैंड ड्रॉन यू नो एनेमे मूवी दैस मेड अगर आप एनमे से थोड़े से भी फेमिलियर हैं तो इट्स जैपनीज़ कॉन्सेप्ट एनेमे वहीं से इनिशली शुरू हुआ था एंड uh, मैंने बीच में एनमे देखना शुरू की थी uh, अगर आप देखें तो काफ़ी टी वी शोज जो हम ऑनलाइन भी देखते हैं उसमें एक दो थे जो समराइज के ऊपर थे विच आई रियली इंजॉय पर्सनली माई सेल्फ वॉट्स इंटरेस्टिंग अबाउट ग्लास वर्कर्स के ये पाकिस्तान की पहली एन एनिमेटेड मूवी है नॉट जस्ट एनी एनिमेटेड मूवी इट्स अ हैंड ड्रॉन एनिमेटेड मूवी राइट और ये जो है सिलेक्ट हुई है फॉर द इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवॉर्ड ठीक है ये नाइन्टी अ मोमेंट ऑफ प्राइड बिकॉज uh, मैंने एक्चुअली इसकी सीक्रेट स्क्रीनिंग भी देखी थी एंड यू नो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ़ माइंड हुज़ ऑल्सो बिन ऑन द शो ने वॉइस ओवर भी किया है इस मूवी का डीनो अली और ये मानो प्रोडक्शंस के साथ जियो फिल्म ने मिल के ये एंट्री की है टू थाउजेंड ऑस्कर्स फॉर द मूवी ये एक एंटी वॉर स्टोरी लाइन है एंड आई मस्ट रेकमेंड आप ज़रूर ये मूवी देखिएगा बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एनिमे के अंदर इस तरीके से कुछ सीन्स की डिटेल्स दिखाई जाएगी कि एक सीन है जिसमें वो किचन के कैबिनेट पे बैठी हुई है काउंटर पे बैठी है और पीछे कैबिनेट में मसालों के नाम उर्दू में लिखे हुए मिर्ची और आई थिंक इट वाज़ सो रिफ़्रेशिंग टू वॉच क्योंकि हमने कभी कोई आने में मूवी नहीं देखी जिसमें उर्दू के लेबल्स हों एंड uh, इस तरह की अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़बरदस्त थी इस मूवी की और राज ने बोला कि मुझे दस साल लगे ये मूवी कंप्लीट करने में एंड ही फील्स लाइक एज ए मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मैं पाकिस्तान को इस तरह के इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ा रहा हूँ और उनसे जब किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा इसी तरह प्रोग्रेस करता रहेगा तो ही सेट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट बट उनने जितना टायरलेस एफर्ट दिखाया है इस चीज़ से उनको बहुत खुशी मिलती है कि उनकी टू डी हैंड ड्रॉन एनिमेटेड मूवी इतने प्रस्टिजियस ऑनर के लिए सेलेक्ट की गई है आई के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेज मिली है फ्रॉम व्यूअर्स एंड क्रिटिक्स आई एम टी भी आपको ऑलरेडी पता है यू नो काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दे रहा होता है और यू you नो know, लोगों को बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए कि नहीं फ़्रॉम स्टोरी टेलिंग टू सिनेमाटोग्राफी विजुल्स म्यूजिक कंपोजिंग आर्ट एनिमेशन एंड इवन द वॉइस ओवर परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी कुछ लोग एंड के बारे में थोड़े से कन्फ्यूज़ थे कि एंडिंग कैसी अब मैं आपको बताऊँगी नहीं उसकी एंडिंग क्या यू हैव टू गो एंड वॉच द मूवी और सेल्फ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लोगों ने एंडिंग डिफरेंट तरीके से प्रोसीड की थी राइट सो ऑब्वियसली मैंने डिफरेंट तरीके से की थी अब मैं आपको बताऊंगी तो जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए मूवी ख़राब हो जाएगी बट मस्ट चेक इट आउट और आप ज़रूर हमसे शेयर करें कि आपको क्या लगा एंडिंग के बारे में ठीक है अब हम आ जाते हैं दूसरी टॉप स्टोरी पर दूसरी टॉप स्टोरी हमारी यह है कि पाकिस्तान के उस्मान वज़ीर ने नॉकडाउन किया है इंडिया के बॉक्सर को गैस इन हाउ मनी सेकेंड्स सिक्सटी फाइव सेकेंड्स हाउ फिनल इज दैट क्योंकि ये बेसिकली इंडियन बॉक्सर का नाम है थैलाक सिल्वाम ठीक है और ये जो है प्रोफेशनल क्लैश इनका हुआ था थाईलैंड था के अंदर एंड विद इन आई थिंक फ्यू सेकेंड्स विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स वज़ीर डिलीवर्ड अ वेरी पावरफुल ब्लो ए इंडियन बॉक्सर वॉज ऑन द ग्राउंड फिर उसके बाद uh, इनकी काफ़ी सीरीज ऑफ चलती रहीं बैक एंड फोर्थ और रेफ्री ने एवेंचुअली फिर डिक्लेयर कर दिया कि ऊस्मान वज़ी की फोर्टीथ कंजर्गेटिव विन थी इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग एंड ही हैज़ नाउ बिकम अ राइजिंग स्टार इन स्पोर्ट्स और मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि इनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टीजियस टाइटल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जैसे कि वर्ल्ड यूथ टाइटल एशियन टाइटल मिडल ईस्ट का टाइटल राइट एंड ये गिलगित बलिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्राइड दी है इसी वजह से और यू नो ही हैज़ एक्चुअली ऑल्सो शेयर आफ्टर विनिंग वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात पीसफुल रहे सो दैट दॉज अ गुड एंडिंग मैसेज इज़ वेल अब हम जा रहे हैं अपनी थर्ड स्टोरी की तरफ जो कि है कि हमारा जो है वो वर्ल्ड कल्चरल फ़ेस्टिवल बिगैन हो रहा है 400 सौ आर्टिस्ट आ रहे हैं 40 डिफरेंट कंट्रीज से और ये वर्ल्ड कल्चरल फ़ेस्टिवल कराची में हो रहा है आर्ट्स काउंसिल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सिंध गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने बोला है थर्सडे को कि ये वर्ल्ड कल्चरल फ़ेस्टिवल हम ने शुरू कर दिया है और अहमद शाह जो कि हमारे प्रेजिडेंट हैं ऑफ़ दी आर्ट्स काउंसिल उनके साथ बाय द वे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी किया है प्लीज़ स्टे ट्यून्ड आप लोग ये एपिसोड बहुत इन्जॉय करेंगे आने वाली है आने वाले हफ्ते में इसी हफ्ते में इनफैक्ट और डिप्लोमैट्स आए थे बाकी कंट्रीज से जिसमें एक श्रीलंका टर्की और रुमान के भी थे इन सब लोगों ने अटेंड किया फेस्टिवल एंड व्हाई व्हाई इज़ इट दैट वी डूइंग दिस फेस्टिवल हम ये फेस्टिवल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बेसिकली एक सेफ़ जगह है यहाँ पे फॉरेनर्स आ सकते हैं अपना यू नो टैलेंट और अपना क्राफ्ट शो कर सकते हैं वी अनफॉर्चुनेटली हैव बिन लेबल्ड कि टेररिज्म बहुत होता है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से लोग नहीं आते तो ये बाइव बाकायदा बोला गया है गया है कि हम इनहेरिट हैं ऑफ़ थ्री एशंट सिविलाइजेशन टक्सेला हरप्पा एंड मोहिंगजे दारो राइट तो हम लोग जो है ना तो किसी से कंपटीशन सीख करना चाह रहे हैं हम बेसिकली चाह रहे हैं कि काउंटर टेरिज़म एक कल्चर प्रमोट करें और दिखाएं कि हम कितना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं इन द फ्यूचर एज वेल वी वॉन्ट पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस तो अगर आप देखें तो हंड्रेड कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुई हैं अबाउट फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी आर्टिस्ट हैं एंड बाई द वे सम रियली कॉम्पिटेंट पीपल बिकॉज लाइक आई सेट वीकेंड पर मैं वहीं पर थी मैंने इंटरव्यू भी किया दो तीन लोगों को थिएटर भी है म्यूज़िक भी है डांस ग्रुप्स भी हैं आर्ट एग्जिबिशन भी हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं मैं आपको बताऊँ कुछ आर्टिस्ट जो डिफरेंट uh, कंट्रीज से बिलोंग करते हैं पैलेस्टाइन टर्की इंडिया यू ए यू एस यू के जर्मनी चाइना ऑस्ट्रेलिया रशिया मतलब यूनिमेट में मैं, मैं काफ़ी टाइम तक गिनती ही रहूँगी सा, सा, कुछ साउथ अफ्रीकन थे जिनसे हम मिले फिर साउथ कोरियन भी थे यू नो एन ओमान कतर एंड माल्टा एन सोन तो बेसिकली कॉन्गो एंड रवान्डा के भी दो लोग थे भाई दुए जिनसे हम मिले थे जब हमारा ये सेगमेंट चलेगा तो आप ज़रूर देखिएगा uh, इस आर्ट कल्चरल फेस्टिवल में कवाली भी होगी क्लासिकल डांस भी होगा वहाँ भुखती परफॉर्म करेंगे ठीक है और इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे जिस तरह के सरंगी और फ्लूट एंड फ्लूट तो आपका पता है ऑलरेडी इतनी सूदिंग uh, सी आवाज़ होती है फ्लूट की आई पर्सनली एट वन टाइम रियली वॉन्टिड टू लर्न हाउ टू प्ले द फ्लूट बिकॉज मुझे आ, लोग बोलते थे कि उससे बड़ा सब्र आता है आप बड़ा एक ज़ूम इन करके साउंड मेडिटेशन कह लें आप कि बड़ी हेल्प करती है आपकी बट समाउ आई हैड द पेशेंस टू डू इट तो मैंने नहीं किया बट फ्लूट की आवाज़ जनरली मुझे पसंद बहुत है राइट right? एंड कुछ आर्टिस्ट जो कि बहुत वेल नोन है यहाँ पर जिसमें से जिससे हम दो तीन से तो ऑलरेडी मिले हैं बट मैं नाम ले लूँ साहिब पर फिर गसरिया रुगम्बा उनने तो बहुत ही अच्छा एक अपने जेनोसाइड के बाद एक्चुअली एक डांस सीक्वेंस भी बनाया गाना भी बनाया वील एक्चुअली प्लेट फॉर यू एंड यू विल सी कि वो कितनी मीठी आवाज़ में कितना मीनिंगफुल उन्होंने नॉट ओनली गाना बनाया बट किस तरह ऑनर किया अपने मुल्क को जब गाना बनाया सो यू नो ये सारी मीनिंगफुल चीज़ें हैं फिर हम आ जाते हैं फोर्थ और काफ़ी खौफनाक किस्म की स्टोरी पे जो कि हमारी टॉप स्टोरी कहती है कि डेंगी जो है वो बढ़ रहा है और 10 बिग सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी डेंगू भर चुका है अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीएमडी पी PMD ने वार्म वॉर्न किया है हमें कि 10 बिग सिटीज़ के अंदर ये हो सकता है कराची लाहौर शावर, रावलपिंडी इस्लामाबाद हैदराबाद फैसलाबाद सयालकोट उंगलियाँ ख़त्म हो गई मगर जगह ख़त्म नहीं होगी <laughs> मुल्तान ये सारी जगह बेसिकली अफेक्ट हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं बिकॉज़ जब बारिश होती है और हैवी रेंस के बाद जब मानसून का सीज़न के बाद चेंजेस आते हैं तो जब टम्परेचर रेंज जो है वो ट्वेंटी सिक्स डिग्री से ट्वेंटी नाइन डिग्री होती है और जब ह्यूमिडिटी लेवल सिक्सटी परसेंट हो जाते हैं उस वक्त बेसिकली ये डेंगी फ़ीवर बढ़ना शुरू होता है सो बीस सितंबर से लेकर पाँच दिसंबर तक लोगों को बाकायदा बोला गया है कि थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि डेंगी बढ़ सकता है तकरीबन सौ केसेस पंजाब में ही हेल्थ ऑफिशल्स ने बताया है कि ये इश्यूज रेज हुए हैं तो किस तरीके से आपने अपनी सराउंडिंग्स और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ये यू हर्ड दिस एट डोंट डे प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू फिर हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ टॉप स्टोरी पे, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग आपको पता है हमारी फिफ्थ टॉप स्टोरी हमेशा थोड़ी टेक्नोलॉजिकल और कूल सी स्टोरी होती है वर्ल्ड्स फर्स्ट थ्री प्रिंटेड होटल खुलेगा टू में इस होटल का नाम है एल कॉस्मिको और ये टेक्सस के एक डेजर्ट टाउन मार्फा के अंदर बनाया जाएगा ये दुनिया का फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड होटल होगा और पार्टनरिंग विद अ प्रिंटेड कंपनी कॉल्ड आईकॉन ठीक है इसके आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बुजार के एंजल्स ग्रुप वाले हैं और ये प्रोजेक्ट तो है 43 न्यू होटल्स बनाएगा 18 रेजिडेंशियल होम्स बनाएगा और 60 एकर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना गया है कटिंग एच थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और अब इस तरीके से ये एक नया स्टैंडर्ड बनाएगा क्रिएटिव और सस्टेनेबल होटल्स बनाने के लिए एंड व्हाट अ ग्रेट जॉब दिस इज इट्स नॉट इजी बट आप देखें आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी कैसे रीडिफाइन हो रही है विथ थ्री प्रिंटिंग मतलब द वर्ल्ड इज़ नाउ कमिंग टू दैट मोर पावर टू दैट एल कॉस्मिको के ओनर जो हैं लिज लैम्बर्ट उसने बोला कि ये अनप्रेसिडेंट फ्लेक्सीबिलिटी अलाउ होती है बिकॉज अगर आप देखें तो कुछ यूनिकर्वस और कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के बनेंगे जो कि आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते एंड नॉट ओनली ये बिल्डिंग मेथड मैथडल है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है तो ये इनिशियली जो है इनिशियल um, यूनिट uh, जो है वो 3.7 मीटर हाई होंगे ये सिंगल स्टोरी वॉल्स होंगी तीन बेडरूम्स होंगे और सिंगल होटल रूम होगा एंड द वलकन प्रिंटर जो कि एट फोर मीटर सेवन टॉल खड़ा हुआ है और 14.2 मीटर मीटर्स की वेथ है ये एक सीमेंट का मिक्सचर बनाएगा जिसका नाम है लावा क्रीट और ये टेलर किया गया है ख़ास तौर पे उस डेजर्ट के मौसम के लिए क्योंकि देखें डेजर्ट में भी बहुत वेरियन क्लाइमेट होता है सो हाउ इज़ इट डैट यूर एबल टू यूज़ दिस सीमेंट एंड डू सच एन अमेजिंग जॉब बट वट्स द ड्रॉबैक आप मुझे बताएं इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या हो सकता है ये हो सकता है कि आपकी जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी मार्केट के अंदर क्योंकि आधा काम तो आपका थ्री प्रिंटिंग कर रहा है राइट right? सो so थोड़ा सा आपको बता दूं अगर आप यहाँ पे जाके रात रुकना चाहते हैं तो आपको 200 डॉलर से 450 फिफ्टी डॉलर्स पर नाइट Uh, yahan ki cost so if you're willing to spend that kind of money and go and see a Marvel Create Kya then I definitely think you should check it out. Lots of freedom and design and it's an amazing place to definitely go and visit.